अगर आप 41 FAD की तैयारी कर रहे हैं, आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, या आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, या आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो में हम टोटल महत्वपूर्ण 50 प्रश्न करवाएंगे जो गुप्त वंश से संबंधित होंगे, और ये प्रश्न वो हैं जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे जा चुके हैं, और वो हमेशा रिपीट होते रहते हैं। उनका लेवल थोड़ा हाई और थोड़ा लो होता रहता है वैकेंसी के मुताबिक। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, आपको वीडियो देखकर बिल्कुल एहसास होने वाला है, हाँ आज मैंने कुछ बेहतर पढ़ा है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त। फिर आगे है, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के नहीं है, बल्कि गुप्त वंश में भी चंद्रगुप्त हुए थे, तो उन्हीं की बात हो रही है। फिर अगला प्रश्न है, महाधिराज की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के प्रथम प्रसिद्ध शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद है, गुप्त काल में पहली बार किस शासक ने चांदी चांदी या रजत मुद्राओं को प्रचलन में लाया? तो वो कौन से गुप्त शासक थे? चंद्रगुप्त प्रथम। फिर अगला प्रश्न है, गुप्त संवत किसने चलाया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। उसके बाद अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी कौन थे? समुंदर गुप्त। फिर है, हरिशयन किसके दरबारी कवि थे? समुंदर गुप्त के। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुंदर गुप्त को। फिर अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमार गुप्त ने की थी। फिर आगे बात करते हैं, चीनी यात्री फाइयान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। फिर अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? हरिशयन। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, समुंदर गुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? वही ए स्मिथ ने। फिर अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कला साहित्य विद्या का महान केंद्र कौन था? यानी कि महान केंद्र कौन सा था? तो वो था उज्जैन। अगला प्रश्न है, मंदिर निर्माण कला का जन्म कब और किस युग में हुआ? गुप्त काल में। उसके बाद है, गुप्त काल की राज दरबारी भाषा कौन सी थी? संस्कृत भाषा। फिर है, किस शासक ने हूणों के आक्रमण को रोका था? स्कंद गुप्त ने। अगला प्रश्न है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? समुंदर गुप्त को। उसके बाद अगला प्रश्न है, स्कंद गुप्त को किस लेख से स्क्रोपम कहा गया है? कहोम स्तंभ लेख में कहा गया है। फिर अगला प्रश्न है, भारत के किस रचना का सर्वप्रथम यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया? तो वो कौन सी भाषा थी, यानी कि वो कौन सा लेख था? तो वो था अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला प्रश्न है, बाल विवाह की प्रथा कब प्रारंभ हुई? गुप्त काल में। आपको यह भी पता होना चाहिए कि बाल विवाह किनके आने से हमें शुरू करना पड़ा। फिर अगला प्रश्न है, सती प्रथा का उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरण अभिलेख से। फिर है, हरिशयन किसके दरबारी कवि थे? समुंदर गुप्त के। उसके बाद अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रभावती गुप्त के पूना स्थित ताम्रपत्र अभिलेख से किस गुप्त शासक का उल्लेख मिलता है? तो वो कौन से शासक थे? श्री गुप्त का। फिर अगला प्रश्न है, रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेख में गुप्त वंश का प्रथम शासक किसे माना गया है? किसे माना गया है? तो वो माना गया है घटोत्कच को। फिर अगला प्रश्न है, समुंदर गुप्त का शासनकाल था 335 से 380 ईस्वी।
फिर अगला प्रश्न है, वराह मिहिर द्वारा रचित रचना है वरद संहिता। फिर अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया था? कुमार गुप्त ने। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के समकालीन वाकाटक राजवंश का संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति सर्वसेन। फिर अगला प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। उसके बाद अगला प्रश्न है, गुप्त युग में बौद्ध धर्म के महान विद्वान असंग द्वारा रचित रचना है, तो वो है व्रज, तो वो रचना कौन सी है? वो है व्रज शैदिका टीका। फिर अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के मौलिक सिद्धांतों पर आधारित अभिधर्म कोश की रचना किसने की? तो वो की है बसुबंधु ने। फिर अगला प्रश्न है, पारा का आविष्कार किस समय हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। फिर अगला प्रश्न है, गुप्त युग किस रचना में पृथ्वी गोल है और परिक्रमा करने की जानकारी प्रदान होती है? आर्यभट्टीय। फिर है अगला प्रश्न, इतिहासकार विसेंट स्मिथ द्वारा रचित पुस्तक जिसमें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है, वो पुस्तक कौन सी है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। फिर अगला प्रश्न है, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को कहा जाता था रुपयक। अगला प्रश्न है, कुमार गुप्त का शासनकाल रहा 415 से 455 तक। उसके बाद अगला प्रश्न है, गुप्त काल में वस्त्र उत्पादन के प्रसिद्ध स्थान थे गुजरात, बंगाल, तमिलनाडु। चरक किसके राज वैद्य थे? तो ये थे कनिष्क के। अगला प्रश्न है, चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन किसके द्वारा किया गया था? ब्रह्मगुप्त 7वीं शताब्दी में। फिर है, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा की किस नाम से जाना जाता था? दिनार। यानी कि गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्रा थी उसे दिनार नाम से जाना जाता था। फिर है अगला प्रश्न, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख एरन अभिलेख से मिलता है, यह अभिलेख किस सती का है यानी किस शताब्दी का है? तो यह है किस सदी का है? तो यह 510 ईस्वी का। अगला प्रश्न है, शतरंज का खेल किसके शासनकाल में हुआ था? गुप्त काल में। पहले इसे चतुरंग कहा जाता था। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन किस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है? पूर्ण जन्म का। फिर है, पूर्व मीमांसा की रचना किसने की थी? जैमिनी ने। अगला प्रश्न, किस गुप्त राजा का एक नाम देवगुप्त भी है चंद्रगुप्त द्वितीय का? फिर अगला प्रश्न है, परम भागवत की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने? अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के स्तंभ लेख से किस शासक का उल्लेख मिलता है यानी कि किस मुगल शासक का? तो वो है जहांगीर। अगला प्रश्न है, हूणों के आक्रमण से किस राजवंश अत्यंत विचलित हुआ था? गुप्त वंश। हूणों के आक्रमण से कौन सा राजवंश अत्यंत विचलित हुआ था? गुप्त वंश। फिर है, गुप्त सम्राट जिसने हूणों पर विजय प्राप्त की स्कंदगुप्त था। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न, शक विजेता किस गुप्त शासक को कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो ये थे आपके कुल 50 प्रश्न। कुछ टाइपिंग में हो सकता है कि मिस्टेक हो गई हो, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।